फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बाबूजी। आज हम दिखाएंगे, आज हम जाने वाले हैं सिक्किम और इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किए हैं तो अनपैक करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात किए बिना। सभी को मेरे चैनल और मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छे से गुजर जाए ये उम्मीद रख के ये अनबॉक्स करेंगे। तो दोस्तों ये जो आज हम ऑर्डर किए हैं ये आइटम एक एक करके हमको आपको हम दिखाएंगे। ये बहुत सारे चीज़ें ट्रैकिंग के लिए बनाया है खास, तो देखते हैं। ये सब आइटम का डिस्क्रिप्शन मतलब परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डेकाथलॉन से भी खरीद सकते हैं, अमेजन से भी खरीद सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है पांच आइटम इसमें है, पांचों ही देखेंगे। ये पांच आइटम का अलग अलग यूजेज है, खासियत भी अलग अलग है, वो हम देखना चाहेंगे। पहले हम आते हैं इस ग्लव्स पे, ठीक है। ये ग्लव्स का खासियत क्या है, ये बहुत ही सस्ती और टिकाऊ चीज़ है, पोर्टलास का बनाया हुआ, हमेशा की तरह डेकाथलॉन से ही हम खरीदे। ये हमको मिला है सिर्फ 99 में सिर्फ, ठीक है। ये फ्लीस वाला पॉलिएस्टर लाइनर वाला फ्लीस वाला रिसाइकल्ड ग्लव्स है जो कि 99 रुपीज़ का है सिर्फ, फोर क्लास का बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा फिनिश है, फील भी बहुत अच्छा आता है इसका। लेकिन 99 रुपीज़ का होने के बावजूद ये 299 का था, हमको सिर्फ 99 में मिला और आपको भी मिल सकता है अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक चेक करेंगे तो ये 99 रुपये की है। लेकिन फिर भी इसका 2 साल का वारंटी है, मतलब 2 साल में अगर कुछ भी हो जाए तो ये आपको या फिर नया प्रोडक्ट मिलने वाला है या आपको गई मिल जाएगा, पूरा इसका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पहले पहन के देखना चाहेंगे हम, तो आइए इसको देखते हैं पहन के। इसको काटना होगा, वो काटेंगे हम। ये काट दिए और ये भी आपको काटना होगा ये यूज़ करने के लिए। तो आइए इसको हम क्या कर सकते हो देखेंगे। ये लाइनर ट्रैक 100 फ्लीस लिखा हुआ है, ठीक है, ये फ्लीस का ही ग्लव्स है। तो इसको हम इसमें से काट देते हैं और ये दोनों को भी काटना पड़ेगा, ये बाद में काटते हैं, पहले हम इसको हाथ डाल के देखते हैं ये चीज़ क्या है। इसको हम ऐसे घुसा दिए, ठीक है, इसको ऐसे घुसा देने के बाद इसमें अपना उंगली घुसा दिए। तो दोस्तों ये बहुत, जैसे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा फील आ रहा है और बहुत स्नैग फिट हुआ है, ठीक जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा फिट हुआ है। हाथ में इतना एडवांटेज भी है, मतलब ये रिस्ट से आपका काफ़ी आगे बढ़ चुका है जो कि काफ़ी एडवांटेजियस है। ये छोटा होता है तो एयर गैप रह जाता है यहाँ पर, मतलब ठंडी हवा घुसने का मौका मिल जाता है। तो ये था दोस्तों पहला वाला आइटम। ये आपको कहीं पे भी अगर आप हिमाचल शिमला दार्जिलिंग कहीं पे भी जाते हो तो आपको बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले आइटम के साथ। ये है एक एक्वा शू। एक्वा शू क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम आप अगर सी में ट्रैवल करने गए, सी शोर जो होता है, शोर में रॉक्स होते हैं, ठीक है, बोल्डर्स होते हैं काफ़ी सारे, वो बोल्डर में अगर आप खाली पैर नंगे पैर में आप उतरेंगे तो आपको दुविधा हो सकता है क्योंकि पैर में चोट आ सकता है, ये हार्ट भी हो सकते हैं, आप काट भी जा सकता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है एक्वा शूज। ये भी बहुत ही सस्ती है लेकिन टिकाऊ है, 2 साल का वारंटी के साथ आता है। ये इसका कीमत जो है MRP से काफ़ी डिस्काउंट में मिला है, MRP इसका है 699, ठीक है, और हमको ये मिला है सिर्फ 499 में। आपको भी मिल सकता है, ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक चेक करेंगे तो।
तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। ट्राइबोट का है, ट्राइबोट एडवेंचर्स का बनाया हुआ, ये साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेंट्स है, ठीक है दोस्तों, ये ब्रीदेबल है, ठीक है। पानी के अंदर आप बिल्कुल इसको पहन सकते हैं, इसको पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वज़न में भी काफ़ी हल्का है, और बोल्डर या फिर सीबेट के नीचे जो भी है वो उससे आपके आप पैरों को ये प्रोटेक्ट करता है। तो देर मत कीजिए, आज ही इसको आप ख़रीद लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट जहीं पे कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो ये आपको काम आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा आइटम, अभी आगे बढ़ते हैं तीसरी आइटम की ओर। ये तीसरी आइटम जो है ये भाई साहब कुछ अलग किस्म के है। तीसरी आइटम का खासियत ये है कि हम देखना चाहेंगे, ये है तीसरी आइटम। तीसरी आइटम क्या है, ये है एक रेन कवर, 40-60 लीटर का बैकपैक का रेन कवर। मान लीजिए कि ये एक बैकपैक है दोस्तों, ये 40 लीटर का ही है, तो इसके ऊपर आप ये पहना सकते हो। पहनाने के बाद क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर रेन होता है, मतलब बारिश रास्ते में आ जाता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही कम जगह लेता है ये, वज़न में भी काफ़ी हल्की है, कुल मिला के सिर्फ 115 ग्राम। जो लोग ट्रेकिंग करते हैं वो लोग को हमेशा वज़न की और ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बैकपैक कभी भी ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो आपको ट्रेकिंग करने में प्रॉब्लम, परेशानी होगी। तो इसमें इसको डाला जाता है जब यूज़ नहीं करेंगे, और जब आपको ये यूज़ करना है तो ये आपको इसमें लगा देना है। ये भी हम लगा के देखेंगे अभी। ये दोस्तों ये पहनाते हुए, पहनने के बाद ये 40 लीटर का बैकपैक के अनुसार कुछ ढीला है मेरे हिसाब से, तो इसको हम रिटर्न करना चाहेंगे। इसके सिवाय ये बहुत ही अच्छी है, अगर 60-50 लीटर का होता है तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सूट करेगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे अभी अगले आइटम के साथ। हाँ तो दोस्तों अगला वाला आइटम है ये वाले भाई साहब, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, आपको भी ख़रीद लेना चाहिए अगर आपके पास ट्रेकिंग का रुकसैक है, बैकपैक है। तो ये है एक ब्लाडर, ये है 2 लीटर का हाइड्रेशन ब्लाडर, जो आपके बैग में, बैग के ट्रेकिंग बैग जो होता है उसके अंदर घुस जाता है। इसको आप यहाँ से खोल सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये आप धो भी सकते हो अच्छी तरह से, इसको आप धो के इसमें पानी भरने के बाद, ये 2 लीटर का है, पानी भरने के बाद इसको वापस आप ऐसे ऐसे लॉक कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हाइड्रेशन का पाइप है, ये पाइप के ज़रिए आप इसको ये कर सकते हैं, ये सील किया हुआ है दोस्तों आपके लिए, हम सील हटा रहे हैं। हाँ ये है सील, इसको थोड़ा हम काटने के लिए ब्लेड का सहारा लेंगे और बेफिक्र रहे। इसको हम ऐसे अभी काटेंगे, ये है इसका कैप, ठीक है। ये कैप के ज़रिए आप जब इसको नहीं पीते हो इसको आप ऐसे सील कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये ऑन ऑफ वाला देख सकते हो आप, हम कैमरे को क्लोजअप में लाएंगे, ये ऑफ, ठीक है। और ये है, ये ऑफ हो गया अभी, और ऑन जो है वो इस तरफ है, ये ऑन, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अगर इस तरफ घुमा देते हो तो ये चालू हो जाता है, इसका जो मेकानिज़म है टैप का, ये वाल्व एक्चुएटेड हो जाता है। ये ऑन करने के बाद आप पी लिए, ऑफ़ करने के बाद आपको इसको ख़त्म करना है, और ये आपका बैग का जो पिछली वाला अंदर यह हिस्सा है उसमें घुस जाता है। और ये बाजू से यहाँ से देखिए दोस्तों, हम कैमरा को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ से निकलता है इसका जो पाइप है, तो बैग में भी ये रहेगा, और आपको बाहर पानी का बोतल हाथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये पाइप निकल जाता है, और उसके बाद आपको आसानी से ये पानी आप पी सकते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रेकिंग वाला, और ये था आपका प्रायोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाला चौथा प्रोडक्ट। इसका भी 2 साल का वारंटी के साथ ही ये आता है, ये हाइड्रेशन ब्लाडर।
ये हाइड्रेशन मतलब आप कहीं भी ट्रेकिंग पे जाते हो तो अलग से आपको बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और पहले से ये ज़्यादा इम्प्रूवाइज वर्शन है, पहले वाला वर्शन में ये सील जो है बहुत लीक वीक होता था, लेकिन ये वर्शन में सब ठीक ठाक काम कर रहा है, ऐसा ही रिव्यू हमने देखे है। इसको परचेस करने के लिए आप वेबसाइट मतलब नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। और इसका MRP 799 था, लेकिन हम इसको 799 में खरीदे हैं, सॉरी दोस्तों। ये था चौथा वाला। और पांचवी जो है आखिरी आज के अनुष्ठान में पांचवी प्रोडक्ट है ये वाला, ये प्रोडक्ट है एक फोटोक्रोमेटिक सनग्लास, जो आपके फोटोक्रोमेटिक मतलब बाहर जितनी धूप होता है उसके अनुसार इसका लेंस टिंट जो है ये बदलता रहता है। आइए दोस्तों ये देखेंगे अभी हम। ये है जैसे कि घर में अभी धूप नहीं है तो ये भाई साहब अभी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बाहर से दिखने में। अगर ये धूप ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप ये रंग बदलने लगेगा, ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखेंगे। ये दोस्तों फोटोक्रोमिक लेंस का इफेक्ट, अभी ये डार्क हो गया, ठीक है, जो आप धूप में जितने देर रहोगे ये यूवी की वजह से इसका लेंस का टिंट जो होता है अपने आप चेंज हो जाता है। अगर आप धूप में से, ये घर में आपको चेंज दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन धूप में जाने से ये डार्कर होता जाएगा। ये था दोस्तों पांचवी प्रोडक्ट। अगर ये सारे वीडियो आपको अच्छा लगा और प्रोडक्ट भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।